सो हे गाइस, मेरा नाम है रुशील एंड ये मेरा पहला ब्लॉग रहने वाला है। एंड इस ब्लॉग में आपको बताऊंगा कि हाउ आई क्रॉस्ड यूक्रेन, यानी मैं कैसे यूक्रेन से वॉर सिचुएशन में बाहर निकला। सो मैं आपको अपने डॉग से मिलाना चाहूँगा, हर नेम इज़ बेला। सो ये वॉर का फर्स्ट डे था जिसमें हम सब लोगों को मंगज में जाना था, क्योंकि वहाँ पे एयर अलार्म्स बजने लग गए थे एंड जिस कारण से सब लोगों में बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। एंड बंकर्स में आने के बाद हमने ये देखा कि बंकर्स में पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे पहले से आके बैठे थे एंड इस बीच बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई। वहाँ पे भगदड़ होने के कारण सब लोग इतने डर गए थे कि सब लोगों ने ये सोचा कि चलो कुछ नया करते, तो हम इंडियंस हैं, हमने फिर वहाँ पे भजन कीर्तन चालू कर दिया। फिर नेक्स्ट डे हमें बस मिली, काफ़ी दिन इंतज़ार करने के बाद हमें बस मिली। उसके बाद हम सब लोग बस में बैठ गए एंड बस में बैठने के बाद हम रोमानिया के बॉर्डर की तरफ निकल गए, जहां पहुंचने के लिए हमें 5 से 7 घंटे लगे थे। तो जाते समय रास्ते में हमें काफ़ी सारे यूक्रेनियंस भी देखे जो अपने बच्चों के साथ यूक्रेन छोड़ के जा रहे थे, क्योंकि सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा खतरा था एंड बहुत ज़्यादा ब्लास्टिंग्स हो रही थी जिस कारण से वो लोग रोमानिया जा रहे थे। सो बस ने हमें बॉर्डर्स के 20 किलोमीटर पहले छोड़ा था एंड वहाँ से हमको 20 किलोमीटर चल के जाना था। वहाँ का उस दिन का टेम्परेचर था -8 के आसपास, कुछ वहाँ का टेम्परेचर था एंड वहाँ से हम 20 किलोमीटर चल के यूक्रेन की बॉर्डर्स तक पहुँचे। वहाँ पे हमने ये देखा कि वहाँ पे बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा थी जिस कारण से हमें वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करना बहुत मुश्किल हो रहा था एंड एक साथ वो लोग इतने सारे बच्चों को अलाउ नहीं कर रहे थे बॉर्डर्स क्रॉस करने के लिए। सो हमने वहाँ पे रात में आग जलाई एंड हमने आग में अपने हाथ सेके, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत गिर गया था उस रात को। सो हमने वो रात वहाँ पे कैसी तो भी निकाली एंड अगले दिन सुबह हम वेट कर रहे थे कि हमें जाने का मौका मिले, पर अगले दिन भी हमें जाने का मौका नहीं मिला। तो हमने अगले दिन भी रात को आग जला के वहाँ पे कैसे तो भी हमने वो रात भी निकाली। नेक्स्ट डे हम लोग यूक्रेन से रोमानिया की बॉर्डर्स पार कर लिए थे। उसके बाद हमें शेल्टर्स में ले गया था। शेल्टर्स में काफ़ी बड़ी स्पेस थी, स्पेस में काफ़ी सारे बच्चे रुके थे एंड हमें वहाँ पे बहुत अच्छा अच्छा खाना भी मिला था, यानी जिससे हमारा पेट भर जाए। एंड हम लोग वहाँ पे 2 से 3 दिन रुके एंड बहुत सारे बच्चे तो वहाँ पे 7 दिन भी रुके, 5 दिन भी रुके एंड काफ़ी सारे बच्चे अलग अलग जगह अलग अलग दिन रुके हैं। कुछ दिन वहाँ रहने के बाद हमें हमारा नाम लिखा गया एंड हमारा नाम लिखने के बाद हमें एयरपोर्ट पर लेके गया, जिसके बाद हमें एक फ़्लाइट मिली जिसमें हमें जाना था। वो एयर इंडिया की फ़्लाइट थी एंड हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल थे एयर इंडिया को जो वो हमें लेने आया। एयर इंडिया का स्टाफ इतना प्यारा था
जैसे ही हम एंटर किए उन्होंने हमें बहुत अच्छे से ग्रीट किया, एंड उसके बाद जैसे ही टेक ऑफ होने लगा सब लोग बहुत ज़ोर ज़ोर से जय हिंद चिल्लाने लगे, एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग टिल नाउ। Thank you for watching my vlog, and don't forget to like, share and subscribe.